सैफिन में और मेरे में एक चीज कॉमन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे। तो मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया, हमारे पास 10-10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त, तो 5-6 बीघे ज़मीन तो माता जी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया, फिर और पैसे की ज़रूरत पड़ी, मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए, पैसे तो थे नहीं घर में, तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें। माता जी ने कहा कि ज़मीन बेच दो, तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बचे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाने खाएंगे कैसे। अबे उन्होंने कहा बेच दो यार, यार लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो भाई कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें, बेच दिया साहब ज़मीन, हम तो चले आए पढ़ते रहे। तो जब मेरा IAS के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर, लड़ना है सर, ज़िंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहाँ, ज़िंदगी मतलब लड़ाई और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। फिर मैं वापस आया, फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई हमारे एक पुराने टीचर हैं वो भाग गए हैं, आप जरा आके पढ़ा दो। तो मेरी एक्सीडेंटल एंट्री हो गई इसमें, तो पढ़ाने लगा। तो पहले दिन मैं गया पढ़ाने, तो करीब 50-50 लड़के थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा चले गए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मेरा दोस्त भी बड़ा नाराज हुआ कि क्या पढ़ा दिए यार, सब लड़के भाग गए। फिर मेरे एक सीनियर थे, मैंने कहा यार पढ़ाया तो मैंने बहुत, बोले यही गड़बड़ कर गए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, ये पढ़े लिखे लोग हैं बड़े, इनको बता दो करना क्या है, इनको स्पून फीडिंग मत करो। फिर मैं पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते एक नया लाइफ मिली। फिर इस फील्ड में मालिक ने शायद सर पे हाथ रख दिया और कायदे की कहानी चल पड़ी। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ाए, मैं बाद में वाजीराम में आ गया, वाजीराम में 20-20 हज़ार लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है, कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी ज़मीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे, जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, ज़मीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20 लाख की है, मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान, भगवान सैफिन आए, अम्मी इनकी नहीं आई किसी कारण से, मैंने बुलवाया ज़बरदस्ती, क्योंकि जब मैं पहली बार इनकी वीडियो देखा तो मुझे लगा यार मेरी माँ है ये, ऐसे उन्होंने भी स्ट्रगल किया, और आज उसने मतलब ऐसे मुकाम पे बिठा दिया कि आपका जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है दुनिया, और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बाकी अपने आप चलेगी, वह जिम्मेदारी ये है कि आपके माँ बाप आप पर फख्र करें।